Hello my cuties, what's up? I hope you all are good and safe. So yeah, this is me Sneha. So welcome and welcome back to my channel. So आज वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ में मीशो मिनी हॉल एंड आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैं चीज ही कुछ ऐसी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करेगा। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि आज मैं भाई क्या शेयर करने वाला हूँ, क्या मैंने परचेज करा है मीशो से इस बार के वीडियो के लिए। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये नहीं सारी चीजें जिन्हें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वन बाय वन करके, एंड सारे सबके लिंक्स एंड कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेक कर लेना। एंड चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शेयर करने वाली हूँ क्यूट से बैग जिन्हें मैंने परचेज करा बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बैग्स ना बहुत ही ज्यादा क्यूट है, साथ ही में आप में से बहुत सारे लोगों ने आई गेस परचेज भी कर लिया होगा। तो चलो भाई ये रहा एक बैग, यहाँ पे दोनों बैग अवेलेबल है। तो इसमें आपको ये टू बैग्स मिल जाते हैं। इस बैग को यूज करा हुआ है बिकॉज ये इतना ज्यादा प्यारा था ना, एंड जो पर्ल वाली डिटेलिंग देख रहे हैं वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ऐसे कैरी करने पर बहुत ज्यादा क्लासी लगता है। साथ में फुल वाली रिबन भी है जो कि मैंने निकाल दी हुई है, एंड मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पहले आप देख लो, ये इसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन मिलता है। वहाँ बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन थे बट मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट परचेज करा है। व्हाइट जो कि रैंडमली हर एक आउटफिट पे चला जाता है। इसका व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा व्हाइट है, यू कैन सी बाई क्वालिटी बहुत अच्छी है। यू कैन सी कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। साथ में जो ये पर्ल वाला ये जो डिटेलिंग है ना बहुत प्यारी है। आपको एक एडजस्टेबल डोरी मिलती है जिससे आप अच्छे से कर सकते हो हैंड, एंड अगर आपको नई शॉर्ट लेना है तो आप ऐसे ले लो, ठीक है, इस साइड से ले सकते हो, एंड आप इसे ऐसे भी कैरी कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साथ में इसमें आपको सिर्फ एक ही चेन मिलती है, एंड एक अंदर सी छोटी सी चेन है जिससे आप नॉर्मल अपना पेमेंट वगैरह रख सकते हो। बाकी इसमें अच्छा खासा स्पेस है कि आप अपना मेकअप का सामान या फिर नॉर्मल चीजें रख सकते हो। बाकी जो क्वालिटी है ना ये मुझे काफी ज्यादा सही लगी है, एंड ये ब्लैक बैग जो है ना वो तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, साथ में ये व्हाइट। ओके तो आपको जरूर में से कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अब आ जाते हैं मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जो कि बहुत ज्यादा प्यारा होने वाला है। ये रहा मेरा सेकंड प्रोडक्ट जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, एंड इसके लिए ना मैं क्या ही बताऊं गाइस, बहुत ज्यादा खुश हूँ बिकॉज ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं हुआ था इतना ज्यादा सुंदर मुझे रिसीव होगा। सो लेट मी शो यू, यू कैन सी गाइस ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा अनारकली सूट है, एंड ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा है। सच बताओ ना जब मैंने इसे वेयर करा था इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था, एंड साथ में इसके बैक में जो यहाँ पे डोरी दी है ना उस पर बहुत ही ब्यूटीफुल सी लटकन बना के दी है उन्होंने इसी सेम क्लोथ की। तो ये मुझे काफी प्रिटी लग रहा था, वेयर करने पर बहुत ज्यादा प्यारा सा लुक आ रहा था। एंड ना बैक साइड पे आपको ज्यादा डीप नहीं मिलेगा, सो ये इसका बैक साइड है, ज्यादा डीप नहीं है बट हाँ इतना बेटर है कि आप आराम से कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। साथ में इसमें इस टाइप की लेस दी हुई है जो कि बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। कुर्ती में तो इस टाइप की ट्रायंगल शेप की लेस दी है, एंड बैक साइड पे भी एंड फ्रंट पे भी इस टाइप की लेस दी, बट इसकी चुन्नी जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रिटी है, एंड इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा फ्लेयर है। तो मटेरियल इसका जॉर्जेट घेर था, यू कैन सी बहुत ब्यूटीफुल सा घेर है, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। सो इसके नीचे भी यहाँ पे आपको लेस लगी हुई मिल जाएगी, एंड ये पूरा पूरा एक गाउन टाइप का लुक क्रिएट करता है फुल स्लीव से। बाय द वे इसकी पूरी फुल स्लीव्स आती है, बहुत अच्छी फिटिंग आया, मैंने स्मॉल साइज परचेस किया था, मुझे बहुत अच्छी फिटिंग में आया है, मुझे बिल्कुल भी स्टिच नहीं कराना पड़ा। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी है इसकी, एंड नाउ उसकी चुन्नी देख लेते हैं। तो उसकी चुन्नी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है गाइस, बहुत ज्यादा, यू कैन सी चुन्नी पे इसके ऐसे सीक्वेंस वर्क दिया है जो कि शाइन कर रहे हैं, एंड डिटेलिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। साथ में इतनी ज्यादा प्यारी इतनी बड़ी चुन्नी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतना रॉयल लुक लग रहा था, मतलब मेरा जो सूट है ना वो इतना प्यारा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ पहनने के बाद, मतलब फील नहीं आ रहा था कि आपको जस्ट ये सिर्फ और सिर्फ 600 के अंदर मिल गया है। मतलब इसको देखने पे ऐसा लग रहा था कि काफी
कराई हाई फाई होगा इसका रेंज, बट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिल जाएगा 600 के अंदर। सो डेफिनेटली एक बार से जरूर ट्राई करना। एंड ये प्रिंट बहुत ज़्यादा प्यारा है, फ्लावर का जो ग्रीन फ्लावर्स बने, सो इसे मैंने परचेज करा था वेयर करने के लिए, वो जो फेरे का टाइम नहीं होता है शादी के टाइम पे, तो उस टाइम पे मैंने इसे परचेज करा था वेयर करने के, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड पिक्चर मेंशन कर रही, चेक कर लेना, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो क्वालिटी वाइज मैं इसको देना चाहूँगी 10 out of 1000, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था, ये बहुत तगड़ा मुझे रिसीव हुआ है। अब बात कर लेते हैं जो मैंने परचेज करी थी साड़ी अपने मामा के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी, सो लेट मी शो यू। एंड ये एक प्रॉपर ब्लैक कलर की साड़ी दिख रही थी मुझे पिक पे, बट मुझे रिसीव हुई है इस टाइप की, जिसमें आपको ग्रीन काइंड ऑफ सीक्वेंस दिखेंगे, साथ में लेवेंडर कलर के भी आपको सीक्वेंस दिखेंगे, मतलब शाइन कुछ ऐसी आ रही है साड़ी में, प्रॉपर ब्लैक तो लगी नहीं रही थी। सो यू कैन सी, एंड इसका मैंने ब्लाउज भी अच्छे से सिलवाया, स्टिच कराया लाइक जैसा उसमें दिखा हुआ था। तो ब्लाउज आपको प्रॉपर डिज़ाइन वाला मिलता है, जिसमें आप आराम से अच्छे से अपना अकॉर्डिंग ब्लाउज सिलवा सकते हो, बस आपको सिर्फ अपनी फिटिंग देनी, बाकी पूरा शेप एंड ऑल सब अवेलेबल था ब्लाउज में। तो यू कैन सी द साड़ी, एंड इसके पल्लू पे आपको ये फ्रिल वाली डिज़ाइन मिल जाएगी, फ्रिल क्या लो, क्या कह लो इसे, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पल्लू पे ही आएगा, बाकी पूरी साड़ी पे सिर्फ और सिर्फ ये सीक्वेन वर्क डिज़ाइन है। बाय द वे ये जो लुक है ना, बहुत ज़्यादा प्यारा दे रही थी सीक्वेन वर्क इसका, यू कैन सी। मुझे लगा था कि थोड़ा सा ऐसे डिटेलिंग होगी थ्रेड की उभरे हुए होंगे, बट ये थोड़ा सा इस टाइप की डिटेलिंग है, इस टाइप के इसमें सीक्वेंस दिए हुए साड़ी, लाइक रात में इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मैं क्या बताऊँ आपको, ड्रेस भी बहुत सुंदर लग रही थी। एंड इसका जो प्राइस रेंज है ना, वो बहुत ही सही है, इसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि हाँ वर्थ ऑफ मनी है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लाउज भी स्टिच करवाया था अच्छा खासा, प्रॉपर ब्लाउज में कढ़ाई दी गई हुई है, मतलब एंड साथ में स्लीव्स में भी ये लटकनों वाला जो झालर कैलोरी से ये दिया हुआ है, साथ में इसका ये लटकन बैक डोरी लगवाई थी, बाकी ये इसकी स्लीव्स है। तो बाकी ऑल ओवर इसका जो नेक है बहुत प्रिटी था, एंड ये आप देख सकते हैं बैक साइड से कुछ ऐसा है। तो ब्लाउज भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, साथ में साड़ी तो ज़बरदस्त है ही। एंड इस साड़ी को मैं देना चाहूँगी लाइक 10 out of 20, बिकॉज बहुत अच्छी लगी मुझे साड़ी। तो मैंने देखा था वैसे नहीं रिसीव हुआ प्रॉपर ब्लैक, एंड बाकी जो रिसीव हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो यह आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, मे भी शायद अगर आप उन्हें परचेज करा तो आपको भी ऐसा काइंड ऑफ कुछ देखने को मिला हो, या फिर हो सकता है कि आपको प्रॉपर ब्लैक मिली हो साड़ी। मुझे तो भाई एक ग्रीन काइंड ऑफ एंड लेवेंडर काइंड ऑफ शेड में भी रिसीव हुई है, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो फ्रॉम माय साइड। एंड साथ में जो मैंने सूट शेयर करा है ना, वो तो डेफिनेटली एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत प्यारा सूट है यहाँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, सारे की सारे अफोर्डेबल चीजें मैंने परचेस करी थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी सारी की सारी चीजें, लाइक 100 rupees 1000 थी। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना, एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यार मिलते हैं मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में, लाइक मंडे और सैटरडे, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ, बाय गाइस।